हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में मैं आज सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम चल रहे थे डिनर डेट पे, तो उसके लिए आज मैं ये छोटा सा व्लॉग आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो अब यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और जो कुछ भी चीज़ें मुझे लगेगी, क्योंकि डिनर पे जा रहे तो अगर लिपस्टिक वगैरह कुछ ख़राब हो सकती है तो उसको रीअप्लाई करने के लिए और थोड़ा सा रिटच देने के लिए कुछ सामान अभी यहाँ पे मैं मेरी बैग में ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने मतलब सिंपल साटिन वाला ड्रेस पहना है, उसके साथ हेयर्स को बांधने के लिए हेयर बंद इफ़ पॉसिबल लगेगा तो वो भी लिया है, और उसके साथ साथ कुछ ज्वेलरी है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे जो ब्रेसलेट्स है वो मैंने पहने हैं और उसके साथ मैं मेरी जो नई वाली वॉच है वो पहनूंगी। तो उसके साथ साथ अगर कुछ साइड बाय कैश लगेगी तो वो भी मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे ये जो मेरा बॉक्स है उसमें थोड़ी बहुत कैश हर बार रहती है, तो वो इजी पड़ता है कि अगर कभी कुछ कैश वगैरह लगती है तो इसमें से मैं ले सकती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, तो अब निकलते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और जैसे कि डिनर पे जब भी हम जाते हैं तो मैं पहले एम्बियंस चेक करती हूँ, क्योंकि टेस्ट वगैरह जो है वो मेरे हस्बैंड देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम डिनर प्लान करते हैं। तो ये है एंट्रेंस और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया था। तो जहाँ पे हम गए थे वो वहाँ पे फिश स्पेशल था, तो उन्होंने ना वो जो फ्रेश फिशेस है वो सामने रखे थे, ताकि अगर मतलब जब मैं देख रही थी तो किचन में वो यही वाले फिशेस लेके जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत दिनों के बाद हम डिनर पे आए थे, तो मतलब मैं मॉकटेल के बिना कुछ स्टार्ट नहीं करती, मतलब स्टार्ट भी मॉकटेल से ही होता है और एंड भी मॉकटेल से ही होता है। तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो जो चीज़ें हम घर पे नहीं बना सकते या फिर जो चीज़ें हमें जाके स्पेशल अच्छी लगती है वही ट्राई करते हैं। तो जो भी लंच का मेन मेन्यू है वो हम कम ट्राई करते हैं और जो ड्रिंक्स वगैरह है उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी मेरे जो ब्रेसलेट्स है वो दिखा रही हूँ। तो लाइट बहुत ज़्यादा कम थी ना, तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस अप एंड डाउन हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये जो दो ब्रेसलेट्स हैं ना, ये गोल्ड के हैं और ये सेपरेट है, तो उनको मैंने एक साथ ही लिया है और ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब अगर सेपरेटली भी पहनो तो अच्छे दिखते हैं। तो ये इस तरह से मैं कॉम्बिनेशन में ही पहनती हूँ। तो यहाँ के जो मॉकटेल्स थे वो मुझे काफ़ी पसंद आए, तो मैंने जैसे बोला कि स्टार्ट भी मॉकटेल से ही होता है और एंड भी मॉकटेल से ही होता है, तो हर बार मतलब मैं सेम मॉकटेल ट्राई करती हूँ, पर इस बार मैंने कुछ और ट्राई किया है तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा लुक दे दूँगी कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, मतलब सारी चीज़ें, तो एक ओवर लुक दे देते हैं अभी। तुमसे ही रहता है दुर्वही समाती है, तुमसे तुमसे इस तरह से हमारी जो डिनर डेट है वो ख़त्म हो गई है। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो सी यू एंड बाय बाय।